गैस विश यू हैप्पी होली, होली के लिए सारी शुभकामनाएं। क्या बोला? गुड मॉर्निंग राधे राधे। और ये मेरा जो ब्लॉग है आज मेरे मायके से है, क्योंकि अभी हम आए हुए हैं अपनी माँ के यहाँ। तो सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, और मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग सब सो के उठे हैं, थोड़ा आए हुए थे मायके, तो आराम से लेट करके आज सो के उठे हैं। कि पापा तीनों लोग लगे हुए हैं नाश्ता करने में। क्या खा रहे हैं आराम? चाय बिस्किट, ये तो इन लोग को चाहिए ही चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ। ओहो, रोटी सब्जी ना? जी जी। और एक दुख का बात यह है ना कि अभी भाभी नहीं है क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? वो भी रहती तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाता हमारा। भाभी को कॉल किए आज आ गए। हाँ तो आज क्या हो गया ना दोस्तों कि भाभी के वहाँ पापा के यहाँ ना उनका कुछ फंक्शन है, तो इसलिए वो गई है वहाँ थोड़ा फंक्शन अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे अभी हम आए हुए हैं, और आज शाम तक भाभी भी आ जाएगी, तो कल के ब्लॉग में आपको भाभी भी नजर आएंगी। और उनके पापा जा रहे हैं थोड़ा मार्केट, ये देख सकते हैं पापा के साथ बातें कर रहे हैं, मेरे पापा के साथ आरव के पापा बातें कर रहे हैं। और यहाँ आरव भी रेडी हो गया है, छोटा बाबू भी हमारा रेडी हो गया है। अभी हम माँ से पूछने वाले हैं कि आज माँ हम लोग के लिए क्या बना रही है। तो माँ क्या बना रही है आज? शनिवार है और बेटी आने की खुशी में माँ खिचड़ी बनाने वाली है। बैगन खिचड़ी खाएगा ना अरब? आए खिचड़ी खाएगा ना बैगन? तो चलिए आज मैनेज करते हैं खिचड़ी से, और फिर शाम में आज हम लोग क्या बनाएंगे? खिचड़ी वो तो शाम में हम लोग कुछ स्पेशल बनाएंगे। शाम में हम लोग कुछ स्पेशल खिचड़ी वो तो दही बड़ा बनेगा। दही बड़ा होली में बनता है, अभी नहीं बनेगा, अभी होली दो दिन बाकी है। ठीक है, सो गाइस हम लोग जाएंगे अभी बाल कटवाने हम और आरा। तो ये देखिए आज जाएंगे हम लोग रॉयल एनफील्ड में घूमेंगे। हाँ छोटा बाबू रो रहा था दोस्तों, तो उसको छोड़ के हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों पापा भी बुलेट को निकाल रहे, लेकिन बुलेट निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अब क्या हुआ बुलेट का? So, दोस्तों पहले हम लोग को जाना था बाल कटवाने के लिए, लेकिन इसमें बुलेट में बैठे रॉयल एनफील्ड में तो काफ़ी ख़राब लगा चलाने में, तो चलाने में ख़राब लगा तो आरब बोला कि पहले हम लोग दिखा लेंगे है ना, बाइक को ठीक करवा लेंगे उसके बाद जाएंगे बाल कटवाने, है ना बेटा? यही ना। तो आ गए हैं दोस्तों, मतलब क्या बोलते हैं बाइक का हॉस्पिटल, तो चलिए भैया से अभी ठीक करवाते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर हम लोग बाल कटवाने के लिए जाएंगे। तो हम लोग का अभी बुलेट बन रहा है, तब तक हम लोग जा रहे हैं बाल कटवा के आ रहे हैं। दोस्तों हम लोग आए हैं सैलून, और पापा यहाँ सैलून है, तब से बाल कटाने लगे हैं। पापा वो थस भी रहे हैं और हम यहाँ खा रहे हैं। भूख लग गया था ना? हम्म। सो दोस्तों देख सकते हैं आरब भी बाल कटवा के कैसे दिख रहा है, दोनों भाई एक ही जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं अब जा रहा हूँ नहाने के लिए, है ना, होली का तैयारी हूँ मैं। नहीं ये सही है। हाँ तो यहाँ पे खाना परोस दिए हैं, ये देख सकते हैं आज दामाद जी के लिए क्या क्या खाने पे बनाए, सब कुछ वेज है। तो इनको चाहिए था थोड़ा सा प्याज, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्याज कट कर दिए हम क्या और ये तो मतलब हो गया प्रैंक, हो गया क्या, सासू माँ ने किया दामाद जी के साथ प्रैंक है ना। हाँ तो आज लगा था खिचड़ी बनेगा, लेकिन बन गया आज एकदम अच्छा सा। क्या बना? कोई बात नहीं, दोनों नॉर्मल नॉर्मल। क्या खाएगा? करेली। करेला इसको फेवरेट नहीं है मेरा बहुत। तो यहाँ पे हमारे माँ बैठ के देखेंगे क्या जी कितना खाने वाले हैं, कैसे खाने वाले हैं। और अभी पूरा मतलब आप लोगों को नहीं दिखा सकते, ये पहले खा ले, क्या खा ले, उसके बाद हम लोग आगे का वीडियो शूट करेंगे। चलिए चलते हैं, पापा इनके खाना खा रहे हैं, खाना खाइए। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, और अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि होली है कल के बाद परसों, तो हम लोग होली के लिए कुछ स्पेशल शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, आरव के पापा जा
रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आरव छोटा बाबू तो जाएगा ही जाएगा, और हमारी कीर्ति भी जा रही है हमारे साथ। चलिए चलिए जल्दी, लेट ना करिए। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं आरव, और मार्केट का भीड़ भी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी यहाँ पर ही देखते हैं अंदर में दुकान है, तो चलिए चलते हैं दुकान में। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग मार्केट आए हुए थे होली का शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ मिल गए हैं हमें भैया और भाभी। नहीं है छोड़ के मार्केट मार्केटिंग करते हैं। दोस्तों अभी 14 दिन मिल गए हैं, अचानक हम खुश रहे थे देख के हमको। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आए हुए खरीदने के लिए, और यहाँ आ रहे वो छोटा बाबू चूज कर रहा है। तो अंदर में कुछ कुछ सामान हम लोग खरीद लिए हैं, है ना? अब हम लोग बाहर में भी कुछ कुछ सामान खरीदेंगे। वहाँ पे कुछ मास्क है जो कि आरव को पसंद आ रहा है, और आरव ए बेटा टच टच मत करो, हाथ लग गंदा हो जाएगा। आप निकाल पाइएगा। हैप्पी होली। अभी से यहाँ छोटा बाबू मेरे साथ होली खेल रहा है, और यहाँ निकाल दिए। तो यहाँ पे ये छोटा बाबू के लिए हम लोग चूज कर रहे हैं, क्योंकि छोटा बाबू के लिए वो जो आरव ने चूज किया वो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो ये है हमारा छोटा बाबू। हैप्पी होली। ऐसे ऐसे थोड़ा सा बड़ा। फाइनली दोस्तों हम लोग शॉपिंग कर लिए हैं, जितने भी सारे सामान लिए हैं। चलिए घर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या सामान हम लोगों ने खरीदा और कैसा रेट पड़ा। क्या बेटा, वाह। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं रूम, और इस थैला में सारा चीज भरा हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको कि हम लोग क्या क्या मार्केटिंग किया है। हली हली, ये मेरा छोटा बाबू आई पिचकारी हो गया। अभी 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 छोड़ दो, अभी छोड़ दो, भींग जाएगा कैमरामैन, भींग जाएगा, है ना? सो दोस्तों देख रहे हैं हमारा दोनों बड़ा बाबू छोटा बाबू बहुत परेशान कर रहा है मार्केट में। इतना परेशान हम लोग को किया है कि क्या बोले, है ना? मतलब ये वाला लेंगे, वो वाला लेंगे, ये कलर, ये लोग का, ये लोग का मतलब से होता है ना कि पूरा बाजार उठा के ले आए, है ना? तो चलिए समय कम लेते हैं दोस्तों, क्योंकि काफी रात हो चुकी है। हम लोगों को खाना वाना बनाना है और बच्चा लोगों को खिलाना भी है ना। ऐसे तो हम लोग ससुराल में है, लेकिन थोड़ा सा हेल्प आशा को करना है, क्योंकि होली का त्योहार है जो कि बच्चों के लिए ही खासकर मनाया जाता है। रुको रुको रुको, बैठो दिखाते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारा कुछ लिए हैं, जैसे कि कलर लिए हैं, पिचकारी लिए हैं। तो ये वाला जो पिचकारी है, सबसे पहले बड़ा बाबू के लिए। तो ये जो पिचकारी, हटो बेटा, हटो हटो हटो, पहले देखने दो, चलो बैठो मामा गोदी में। तो ये वाला जो पिचकारी है, ये है आरव के लिए, हमारे बड़ा बाबू के लिए। और इसका मतलब रेट कितना लगा था? ये मार्केट में 150 रुपया बोल रहा था दोस्तों, ठीक है? लेकिन हम लोग जो है 100 रुपया दिए, इसमें 100 रुपया दिए। सेम हमने तीन पिचकारी लिया है, ठीक है? जी जी जी। एक हमने लिया है आरव के लिए, एक हमने लिया है हमारी दीदी की बेटी कीर्ति के लिए, और ये हमने लिया है हमारी राजपीर के लिए। जी। हाँ, ये जो मेरा भैया है, आरव का भैया है, ये वाला जो है ना दोस्तों, ये हमारा थोड़ा कम रेट का पड़ा है, और ये है हमारा छोटा बाबू का। ये इसमें यहाँ डायमंड लगा है, ये 20 रुपीज कम पड़ा है, 80 रुपीज में।
बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठो वहाँ। ये डायमंड का है और ये फ्लावर का है। उसके बाद हमने कुछ कुछ मार्क्स लिए हैं दोस्तों, जैसे कि अभी वो एक और था स्पाइडरमैन, हाँ तो ये हमने लिया है स्पाइडरमैन जो कि आरफ के लिए लिया, और ये हमने लिया है थोड़ा सा ये क्या बोलते इसको भूत भूत जैसा कुछ है, तो ये छोटा बाबू का है और ये है आरफ का। ये आते आते तोड़ भी दिया ना, हाँ इसको ठीक कर देना। तो ये सब कुछ ज्यादा कीमत नहीं लिया है, बस ओनली फॉर 20 रुपीज का लिया। हाँ, और ये मास्क जो है ये राजवीर के लिए लिए हैं, ठीक है, इसका 35 रुपीज लिया क्योंकि वो 40 रुपीज बोल रहे थे, 5 रुपए लेस किए, ठीक है। हाँ, तो ये सारे मार्क्स लिए, और उसके बाद अभी जैसे कि ट्रेंड चला हुआ है वाटर बलून्स का, तो बच्चे जैसे रील्स वगैरह में देखते हैं ना, तो वो रहे थे। बैठो। हाँ, ये वाटर बैलून एक दो प्लास्टिक का होता है दोस्तों, एक में क्या होता है ना कि आपको खुद से पानी डालना पड़ता है, मतलब उसमें पकड़ पकड़ के रुको दे रहे ना दीजिए, पहले ये वाला जो होल होता है उसमें नल से लगा देना होता है, पकड़ के वो अपने आप टपक टपक के गिर जाता है, मतलब पाइप वगैरह सब कुछ लगा हुआ है इसमें, बच्चे को बहुत काफी सुविधा होती है, इसलिए हमने ये खरीद लिया। ये 120 रुपया बोल रहे थे जिसमें 111 पीस है, देखिए 111 पीस है, 120 रुपया बोल रहे थे और हम लोगों ने 100 रुपया में इसको भी लिया है। आशा के लिए बहुत ही स्पेशल चीज लाए हैं, है ना, चलिए दिखाते हैं। तो ये आशा का कैप है, तो देख सकते हैं यूनिकॉर्न है, रुकिए रुकिए, ये देख सकते हैं आशा को ये कैसी लग रही है। दोस्तों हम ये पहन के दिखाते हैं, आइए आपकी नहीं है ठीक है, तो ये मेरे लिए एक कीर्ति के लिए है, एक आशा के लिए, ये लोग गोवा में जाने के लिए बहुत अच्छा है। गोवा जाने के लिए, गोवा जाएंगे तो पहन भी लेंगे। चलो तो बात बाकी हम लोग दोस्तों कलर ले लिए हैं, आप लोग जो है ना अभी से ही खेलिएगा क्योंकि हम लोग भी अभी से खेल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हर चीज आपको मिलेगा, देखिए अभी है गुलाल जो बोलते हैं ना सारा चीज, तो हम लोगों ने एक एक पैकेट ले लिया है 5 कलर का। तो अब फाइनली दोस्तों हम आप सबको और एक चीज दिखाना चाहते हैं, ये कैफ है, ऐसे ये सब मार्केट में इस बार ट्रेंड चल रहा है, मतलब ये ना हमको अच्छा लगा, ये कुछ अलग है, जैसे इसको ऐसे करके आप पहन सकते हैं, ठीक है, तो इसको लगाने के बाद आपको एक आपके लिए ये वाला और एक मेरे लिए कैप, क्या सही है। जी, 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 जी। तो ये हो गया, अब दोस्तों रही बात की सारा चीज हम लोग मतलब खरीद लिए हैं, तो ड्रेस भी यूनिक होना चाहिए थोड़ा सा अलग, मतलब क्या कि अलग होना चाहिए। होली स्पेशल तो व्हाइट ही होता है, सफेद व्हाइट क्यों होता है क्योंकि हर कलर जो आपके शरीर में लगेगा ना, मतलब कपड़ा में लगेगा वो दिखना चाहिए, कलर दिया। और अभी क्या है ना मार्केट में हम लोग को ये वाला चीज ना आसानी से मिल गया जो कि अभी ऑनलाइन बहुत ज्यादा ट्रेंड किया हुआ है दोस्तों, ये वाला मेरा है। हाँ, ये वाला, तो ये देख सकते हैं, ये मेरा फेवरेट, अच्छा, ये छोटा बाबू का है मेरा। हाँ, तुम्हारा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बाबू का है, हमने लिया है छोटा बाबू का एक, फिर हमने एक लिया है ये आरफ के लिए, इसमें लिखा हुआ ये राजवीर का, नहीं नहीं आरफ का, बुरा ना मानो होली है, हाँ क्योंकि ये सबको दे देगा, ये पापा मम्मी सबको दे देगा, ये है राजवीर भैया का हैप्पी होली। तो ये अभी क्या हो रहा है ना, ये ऑनलाइन मिल रहा है लेकिन अभी हम लोग को ये मार्केट में भी मिल रहा है, ये है मम्मा के लिए, नहीं मम्मा के लिए, है मम्मा के लिए, नहीं बेटा मम्मा के लिए, ये और ये है कीर्ति के लिए, और मतलब जो भी बच्चे हमारे घर में सब बच्चों के लिए हमने एक टी शर्ट ले लिया, ये आरब के छोटे पापा के लिए, ये देखिए आरब के छोटे पापा के लिए भी हम लोग ले लिए हैं ताकि उनको भी आरब गिफ्ट करेगा, ये क्या है, हैप्पी होली। हाँ, छोटा बाबू का तो है, क्या हो गया, छोटा बाबू दिखाइए, दिखाइए छोटा बाबू रो रहा है, मेरा लो पापा मारे, अच्छा नहीं मारेंगे तो आ दोस्तों ये वाला पानी में कलर डालने से वो कलर बदल लेता है, छोटा ये व्हाइट जो मेरा पानी में जो कलर डालो वो उस कलर का हो जाता है, पानी का कोई कलर नहीं होता है। अच्छा दे दो अभी भाई को, दे दो अभी, नहीं बना रहे हैं स्टार्ट, सबसे बड़ा बंदूक मेरा। इसका रेट आप कितना बताए थे,
मतलब दोस्तों इसका रेट जो है ना सबका थोड़ा अलग अलग था, लेकिन मार्केट में आपको 150 रुपए में ऐसी टी शर्ट मिल जा रही है जो हमने मॉल में खरीदा, और वो बड़ा वाला थोड़ा लगा सा 200 रुपए का अलग था। बाद बाकी सब जो है एक ही रेट में है और बहुत अच्छे है कपड़ा, क्योंकि आपको यूज एक बार करना है तो इससे सस्ता आपको मिल नहीं सकता। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का उधर ये सब टी शर्ट कितना मिलता है, और आप लोग को सस्ता लगा कि नहीं लगा, और अगर अच्छा लगा है प्राइस या तो हमारा ये शॉपिंग का रेट या तो सामान, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। बाकी जो है आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा, होली है तो होली का सारा चीज़ हम लोग दिखाते रहेंगे समय समय पर। तो कल भी हम लोग का कुछ वीडियो रहेगा और कुछ खास रहेगा, सो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, कल छोटा होली का और पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और हमें इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हाँ देखो देखो तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय माता।